हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं श्वेता सिंह और आप देख रहे हैं श्वेता टेक टिप्स। दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक बहुत ही डिमांडेबल बिजनेस आइडिया लेकर आई हूं। अगर आप बिजनेस शुरू करने की सोच रहे हैं और आपका बजट 5 से 7 लाख के बीच में है तो यह वीडियो आपके लिए है। यह एक ऐसा बिजनेस है जो कि आने वाले सीजन में धमाका मचाने वाला है। जी हाँ दोस्तों, यह बिजनेस है कोल्ड ड्रिंक बिजनेस का, और कोल्ड ड्रिंक का तो पता ही है आपको कितनी ज़्यादा डिमांड है। खासकर गर्मियों में तो इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो अगर अभी से आप अपना सेटअप शुरू करना स्टार्ट करते हैं तो गर्मियां आते आते आपका मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बिल्कुल स्मूथली प्रोडक्शन करना स्टार्ट कर देगा और आप इस बिजनेस को स्मूथली रन कर पाएंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको इस बिजनेस से जुड़ी पूरी जानकारी देने वाली हूँ कि कौन से रॉ मटेरियल्स की आवश्यकता होती है, कौन से मशीनरी की आवश्यकता होती है, कितना प्रॉफिट होगा, इसके लिए कौन से लाइसेंस की आवश्यकता होगी, इसकी मार्केटिंग कहाँ कर सकते हैं। तो इन सारी बातों की जानकारी के लिए आपको वीडियो को लास्ट तक देखना होगा। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का वीडियो शुरू करते हैं। वेलकम टू परफेक्ट टू। हमारी ये कंपनी सोडा बॉटलिंग प्लांट बनाती है और इस मशीन के माध्यम से आप तरह तरह के कोल्ड ड्रिंक बनाकर मार्केट में बेच सकते हैं। आइए मैं इस मशीन की स्पेसिफिकेशन के बारे में आपको बताती हूँ। ये जो आप देख रहे हैं मशीन में, इसको कंट्रोल पैनल बोलते हैं। हाँ, इसको कंट्रोल पैनल बोलते हैं। इस कंट्रोल पैनल के माध्यम से पूरी मशीन को पावर सप्लाई होती है। ये जो हमारी मशीन के पीछे जो है उसको एरोप्लेन बोलते हैं। वो एरोप्लेन के साइड में जो है उसको चिलिंग यूनिट बोलते हैं। वो चिलिंग यूनिट के फ्रंट में जो आप देख रहे हैं, ये पार्ट आपको दिख रहा है, उसको बोलते हैं फ्लेवर डोजिंग यूनिट। इसमें फ्लेवर डाला जाता है। देन इसके साइड में जो आप देख रहे हैं, ये जो पार्ट आपको दिख रहा है, उसको बोलते हैं सोडा फिलिंग यूनिट। ये जो आपको बड़ा सा टैंक दिख रहा है उसको बोलते हैं कार्बोनेशन टैंक। इसमें सोडा स्ट्रॉन्ग होता है, इसमें सोडा आकर बोतल में भरा जाता है, उसको बोलते हैं सोडा फिलिंग यूनिट। देन ये पार्ट जो आपको दिख रहा है उसको बोलते हैं कैपिंग यूनिट। इसमें बोतल को कैपिंग किया जाता है, जो कि इस बोतल को सील किया जाता है। ये है हमारा मशीन का काम। हमारा मशीन ये सब काम करता है। देन इस मशीन को चलाने के लिए 4 मैन पावर की जरूरत है और ये मशीन एक घंटे में 600 से 700 बोतल प्रोडक्शन कर सकती है। देन एक ही दिन में 6000 से 7000 बोतल प्रोडक्शन कर सकती है। और एक बार ये मशीन यानी कि सिंगल फेस में चलती है, घर की बिजली यानी सिंगल फेस में चलती है। और इस मशीन को हर कोई लेडीज या फिर हर कोई जेंट्स आसानी से चला सकते हैं, क्योंकि ये मशीन को चलाना बहुत ही आसान है और ये एक प्रॉफिटेबल बिजनेस है जो कि 4.5 लाख से 5.5 लाख तक शुरू किया जा सकता है। और हमारी ये कंपनी ऑल ओवर इंडिया मशीन सप्लाई करती है। देख रहे हैं, ये फैक्ट्री है, ये उड़ीसा में लगा हुआ है। इनका ब्रांड का नाम है फिज जीरा। जबरदस्त प्रोडक्शन चालू है। ये मशीन एक घंटे में 600 से 700 बॉटल्स का प्रोडक्शन कर सकती है। तो अगर एक दिन में 10 घंटे भी काम करते हैं तो पूरे दिन में 6000 से 7000 बॉटल का प्रोडक्शन कर सकते हैं। ये मशीन सिंगल फेज मशीन होती है और एक यूनिट इलेक्ट्रिसिटी में 250 बॉटल का प्रोडक्शन कर सकती है। इस बिजनेस के लिए अगर रॉ मटेरियल्स की बात करें तो इसके लिए चाहिए हमें वाटर, शुगर, फ्लेवर्स कोई भी आप अपने अकॉर्डिंग चूज कर सकते हैं, लाइक ऑरेंज, लेमन, मैंगो एक्सेट्रा, और बॉटल्स। तो इसके लिए ज़्यादा रॉ मटेरियल्स की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। अगर इस बिजनेस के लिए स्पेस की बात करें तो हमें मिनिमम 200 से 450 स्क्वायर फीट स्पेस की जरूरत पड़ेगी। इसकी डिमांड छोटे शहरों और गांवों में ज्यादा होती है। समर सीजन में चलने वाला यह सबसे बेस्ट बिजनेस है। अगर ब्रांडिंग की बात करते हैं तो गांवों में और छोटे शहरों में ब्रांडिंग इतना इम्पोर्टेंस नहीं होता है, लेकिन अगर आप फिर भी अपने प्रोडक्ट का ब्रांडिंग करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। अगर आप यह मशीन यहाँ से खरीदते हैं तो आपको प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाएगी। जब भी आप यहाँ पर मशीन लेंगे, आपके साथ एक इंजीनियर जाएगा, वो प्रॉपर आपके यहाँ सेटअप करके, इंस्टॉल करके, आपको पूरी ट्रेनिंग दे करके, जब आप सेटिस्फाइड हो जाएंगे तभी वो बंदा रिटर्न होगा। यह कंपनी ऑल ओवर इंडिया मशीन सप्लाई करती है, तो आप किसी भी स्टेट के हों आप अपने मशीन का ऑर्डर कर सकते हैं। अब हम इस बिजनेस के प्रोजेक्ट रिपोर्ट की बात कर लेते हैं। तो आज मैं आपको 300 ml के बॉटल का प्रोजेक्ट रिपोर्ट बताने जा रही हूँ कि 300 ml के बॉटल को बनाने में प्रोडक्शन कॉस्ट कितना आता है। अगर बॉटल के प्राइस की बात करें तो उसका कॉस्ट आता है 2.5 रुपया, पैकिंग मटेरियल कॉस्ट होता है 50 पैसे, फ्लेवर
और शुगर उसका कॉस्ट होता है 1 रुपया, और लेबर चार्ज, हाउस रेंट और इलेक्ट्रिक चार्ज की अगर बात करें तो उसका कॉस्ट 1 रुपया आता है। तो टोटल जो प्रोडक्शन कॉस्ट है 300 ml के एक बॉटल का 5 रुपये आता है। तो अगर 300 ml के बॉटल को 5 रुपये में बनाकर हम 8 रुपये में भी दुकानदार को देंगे तो 3 रुपये का मुनाफा एक बॉटल पर हो जाता है। तो अगर आप एक दिन में 6,000 से 7,000 बॉटल्स का प्रोडक्शन करेंगे तो आपको 18,000 से 21,000 का प्रॉफिट होगा। अगर आप इतना प्रोडक्शन करेंगे तो इसके मार्केटिंग के लिए करीब करीब आपको 100 से 200 दुकान में कॉन्टैक्ट करना होगा, जिसमें कि आपको थोड़ा टाइम लगेगा। अगर लाइसेंस की बात करें तो इस बिजनेस के लिए सबसे पहले आपको कंपनी रजिस्ट्रेशन कराने की ज़रूरत पड़ेगी। उसके बाद, जैसा कि यह फूड प्रोडक्ट है इसलिए आपको फसाई लाइसेंस भी लेना होगा, FSSAI लाइसेंस। उसके बाद GST नंबर लेना होगा, और अगर अपने प्रोडक्ट की ब्रांडिंग करना चाहते हैं तो आपको ब्रांड रजिस्ट्रेशन भी कराना होगा। यह मैंडेटरी नहीं है, यह ऑप्शनल है। दोस्तों, इस कंपनी के ओनर हर संभव आपको बिजनेस सुचारू रूप से चलाने के लिए मदद करते हैं। तो वीडियो के स्क्रीन पर इस कंपनी का कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है, तो आप उनसे संपर्क करें और कोई भी जानकारी ले सकते हैं। वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में भी इस कंपनी का मैंने कॉन्टैक्ट नंबर दे दिया है, तो आप उनसे संपर्क करके इस बिजनेस से जुड़ी कोई भी जानकारी ले सकते हैं। तो दोस्तों, आई होप कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। तो प्लीज़ लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ शेयर कीजिए ताकि उनको भी इसका बेनिफिट मिल सके। आपसे जल्द ही मिलूंगी एक और बिजनेस आइडिया के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय।